बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र का चुरामनपुर गांव शुक्रवार की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में नामजद अभियुक्त ने स्नातक प्रथम वर्ष के एक छात्र को गोली मार दी। गोली युवक के पैर तथा हाथ में लगी है। आनन फानम में युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। घटना के संदर्भ में स्थानीय निवासी गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि चुरामनपुर गांव के उनकी पैतृक जमीन है। उक्त जमीन में उनका भाई संजीव कुमार श्रीवास्तव ने पिछले वर्ष 25 अप्रैल को 9 डिसमिल जमीन निवासी अभिषेक गौरव पांडो को बेच दी थी। यह जमीन उनके भाई की हिस्सेदारी से ज्यादा थी। इस बात को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच अभिषेक गौरव पांडे उर्फ बिट्टू ने राजेश यादव नामक व्यक्ति को यह जमीन बेच दी तथा फिर राजेश यादव ने यह जमीन गोलंबर के समीप निवासी मनीष सम्राट नामक व्यक्ति को जमीन बेच दी। मनीष सम्राट उक्त जमीन पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे, जबकि उन्हें न्यायालय में चल रहे मामले की भी जानकारी दी गई थी। CNB की रिपोर्ट, बक्सर न्यूज। कारण से गोली मारी गई? जमीनी विवाद के कारण। किससे जमीनी विवाद? अभिषेक गौरव पांडे से। कैसा है जमीनी विवाद? जमीन हमारी खानदानी थी, इसमें ये लोग जमीन गलत तरीके से लिखवा लिए थे जी। उसके बाद इन लोगों ने दखल कब्जा करने के लिए सोचा है। उसी क्रम में आगे घटना बढ़ती चली गई। जब हमें मालूम हुआ, केस मुकदमा किए। केस मुकदमा करने के बाद आगे बात बढ़ी, तब ये लोग दूसरे को बेच दिया। और जो आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आज मनीष सम्राट और राजेश यादव दोनों आदमी स्पॉट पर गए थे। ईटा गिट्टी बालू ये लोग गिराए हुए थे। हम वहाँ गए अपना देखने के लिए कि भाई ये लोग दखल कब्जा नहीं करे। उसी के क्रम में बाताबाती हुई। उसके बाद मनीष सम्राट ने कहा कि राजेश यादव को 12 गोली बिना गोली मारे हुई ये घटना पर ही आएगा। नहीं, क्या गोली लगी है? 2 गोली उन्होंने छोड़ा है, चलाया है। कौन? राजेश यादव। किसको गोली लगी है? गोली लगी है हमारे लड़के मिहिर कुमार को। नाम बताइए अपना। हमारा नाम गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है।